ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें श्वास या दमे की बीमारी है। एक ऐसा उपाय शिव पुराण का जो अगर वो कर लें तो जीवन में उन्हें कभी भी श्वास या दमे की बीमारी नहीं होगी। जिन्हें श्वास या दमे की बीमारी है उनके लिए ऐसी दो जगह हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। जिन्हें श्वास या दमे की बीमारी है उनको, वो जब कभी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएं या पीपल पेड़ के नीचे जाएं, तो थोड़े से गेहूं के आटे को भूनकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर किसी पात्र में रखकर जब भी वो बेलपत्र या पीपल पेड़ के नीचे जाएं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर उस आटे को चींटियों के लिए डाल दें। अगर हो सके तो आप रोजाना ये कार्य करें तो बहुत जल्द आपकी दमे या श्वास की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा हम नहीं बता रहे, ऐसा शिव पुराण कहती है। अगर कभी आपको मौका मिल जाए तो हफ्ते दो हफ्तों में या फिर महीने भर में मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलाएं। थोड़ा सा आटा गूंद करके उसकी गोली बना लें और मछलियों को आटा जरूर खिलाएं। जब भी आप मछलियों को आटा खिलाएं तो अपना नाम और गोत्र बोलते जाएं और मछलियों को आटा खिलाते जाएं। जिन्हें श्वास या दमे की बीमारी है वो लोग, विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपको दोबारा कभी भी ज़िंदगी में दमे व श्वास की बीमारी नहीं होगी।